Matt Starr, Rajneesh Kumar. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ स्टार पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए हम आज करते हैं क्लास स्टार्ट। ए का तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि पिछला वीडियो वह 34 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और आज जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से यानी कि 35। तो चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लग चुका और जो है क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम हैं। कहा गया है रमेश की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है। 12 वर्ष के बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में रमेश और रमेश के पिता की आयु क्या है? तो देखिए, तो उसका तो एक तो रमेश का आयु पूछ लिया प्लस उसका जो है पिता की आयु पूछ लिया, ये बात आपको आना चाहिए। कहा क्या गया है? सो पूछा गया रमेश की आयु पिता की आयु से 3 गुनी है। कितना? इसका मतलब है कि रमेश जितना है उसका 3 गुना है पिताजी, मतलब एक तिहाई। एक तिहाई जो है कौन है? ये रमेश है, इसका पिताजी, इसका पिता, इसका बोला गया है कि एक तिहाई का, एक तिहाई इसका कौन है? पिताजी। इसको मान के चलिए, अब जो बोलिए इसका एक तिहाई, इसको देखिए 3 से गुना कर दीजिए, कट गया। इसका मतलब है कि हम रमेश को यदि एक मानते हैं तो इसका पिताजी कितना? 3 का। यह क्लियर हो गया? हुआ या नहीं हुआ? बस क्वेश्चन का कहना यहीं तक था, इसके अलावा क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा था, बस झमेला यहाँ पे अटक का था। तो चलिए हम ये झमेला को क्लियर कर दिए और हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और इसको हम कुछ क्षण में ही कर लेंगे। कैसे? तो देखिए, जैसे कहा गया आप वैसे लिख लीजिए। कैसे? एक तो रमेश, एक उसका पिताजी मतलब फादर है। क्लियर है? अरे उसका थोड़ा नहीं कुछ ही चलाओगे, इसको कोई बात नहीं है, एफ है या तो पी भी लिख सकते हैं, मतलब पिताजी। कहा गया है रमेश का एक तिहाई, इसका मतलब यदि एक मान लेते हैं इसको क्या मान लेंगे? 3। ई भी एक्स और ई भी एक्स, क्या एक्स से पहले एक लगा सकते हैं? क्या लगाइए तो भी सही, नहीं लगाइए तो भी सही है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके बीच में क्या है? बराबर है। उसके बाद क्या पूछा गया है? 12 वर्ष बाद। अच्छा भाई, 12 वर्ष बाद क्या बाप बढ़ेगा? यदि पिताजी बढ़ेगा, बेटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मान के लिए मेरे पिताजी और मेरे बीच का अंतर जो है वह 10 वर्ष है और पिताजी भी 12 साल बढ़ गए और हम भी 10 वर्ष बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? पक्का बढ़ेंगे। और दोनों का अंतर आज भी 10 वर्ष का यदि अंतर है तो नेक्स्ट टाइम भी आने वाले समय भी 10 ही वर्ष का अंतर रहेगा और पीछे मतलब पूर्व में भी अंतर 10 का ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का रहेगा। इसमें भी 12 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 12 ऐड कर, हो गया। बोला गया है 12 वर्ष बाद रमेश की पिता की आयु रमेश की आयु की दोगुनी है। फटाफट इसको कीजिए और जो है इसको दो गुना कर दीजिए, या तो दो इधर भी लगा सकते हैं, दो इधर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो ये बात आ गया और यहां से आप सॉल्व करिए, आंसर निकल के चले आएगा। देखिए, इसको कीजिएगा 2 गुना x तो 2x, इसको कीजिएगा 12 गुना 24 बराबर 3 बराबर 12। क्लियर? ये इधर आ जाएगा एक्स और इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए, पूछा गया किसका? राम का, आर से राम, एफ से पिताजी, फादर, ठीक है ना? देखिए आर का क्या है? आर देखिए कितना का है, तो एक्स बराबर, एक्स बराबर वैल्यू कितना निकल गया? तो 12। आर का मान 12। अब ये उसका पिताजी कितना है? 3x है। कितना है? 3x। इसको एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स की जगह 12 लिख सकते हैं, 12 से गुना इसको कर दिया, 12 से गुना कितना निकल गया? 12 6 पिताजी 12 वर्ष, राम
रमेश है ना, हाँ रमेश 12 वर्ष है, उसका पिताजी क्या 36 वर्ष का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, बढ़ जाए आगे। तो चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहा गया है ओम प्रकाश की मौजूदा आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी, तो ओम प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए ओम प्रकाश उसका बेटा है, हाँ या नहीं? एस से अशोक हो गया, एस से ए से अशोक, एस से सन, सन मतलब क्या? बेटा। तो अब देखिए बोला गया है 5 गुनी मतलब बेटा है, तो बाप कितना? 5 का। अरे बाप फिर बड़ा होगा, पिताजी बड़ा होगा किससे? तो बेटा से, रियल में ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। बोला गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाने के लिए आपको बताए थे माइनस, इस माइनस बोले थे सब में, अपने मन से बोले थे एक्स लगा देंगे, एक्स माइनस कितना 5, इसमें भी कितना 5, 5 वर्ष पहले के बाद बोला, तो मेरे पिताजी यदि 5 वर्ष मेरे पिताजी का यदि पीछे जाएंगे तो मेरा भी एज ना 5 वर्ष पीछे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? दोनों इसलिए जाएगा कि जो है दोनों का अंतर वह समान रहेगा, या पीछे जाए तो भी समान, आगे जाए तो भी समान, आखिर समान ही रहेगा अंतर। तो कर दिया ना, उसका बोला गया है 25 गुना कर दिया, 25 गुना, बस इन सब निकल के चले गए, काट मार दीजिए आंसर आ गया। कैसे काटना है देखिए, 5x माइनस 25, 5x माइनस 5, इसको करेंगे 25x माइनस 125, यह x है, इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 20x, इधर इसको घटाएंगे तो चल आएगा 120, 20 से कटा देंगे 20 से, 20x बराबर 6। पूछा किसको गया है? पूछा गया है ओम प्रकाश की वर्तमान आयु, ओम प्रकाश की वर्तमान आयु, ओम प्रकाश की वर्तमान आयु क्या हो? ओम प्रकाश कितना है? 5 का, 5 गुना 6 कितना का? 30 का हो गया। तो वर्तमान में, वर्तमान में यह था 5x, अभी कितना निकलता है? 5 गुना 6 30, 30 वर्ष, आ गया ना, आया या नहीं आया इस नंबर का क्वेश्चन? देखिए सही नंबर का क्वेश्चन कहा गया 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सो देखते रहिए और बने रहिए। सबसे पहले पढ़िए कहां से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करना, कितना गुनी है ये तो पता नहीं चल रहा है कब क्या हो रहा है, तो यहां ये बता रहा है कि 7 गुनी हो जाएगा, कब 7 गुनी होगा? उसका बेटा से क्या बाप गुना होगा या नहीं होगा? बाप बड़ा होगा या नहीं होगा? निपेश है उसका सब मतलब बेटा हो गया या एस है, उसके बाद जो है कितना 7 गुना मतलब इसको एक्स, तो इसको कितना 7 कहा गया ना, तो इसमें बोला गया 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद देखिए ये कहा है वर्तमान, 5 वर्ष बाद, 5 यहां, 5 वर्ष पूर्व है ना, ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया बाद, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना, तो बोलेगा 5 वर्ष यहां से यहां तक आने में, 5 वर्ष यहां से यहां आने, दोनों मिला कितना 10, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, तो 10 वर्ष, 10 वर्ष का अंतर, तो 10 वर्ष ये भी, 10 वर्ष ये भी प्लस, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो बोलता है ये क्या बोल रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? तो ये बराबर में
तीन गुना एक तो ये तीन हुआ, हुआ या नहीं हुआ? अब काट मार करिए और आंसर लेके आ जाइए, सिर्फ काट मार करने के लिए बचा। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका, देखिए गुना करने का भी एक तरीका होता है, कितना फास्ट हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए एक गुना सात तो सात एक्स, तीन गुना एक्स तीन एक्स, एक गुना सात तो सात एक्स और तीन एक्स, सात में से तीन, सात में से तीन घटेगा कितना बचेगा, सात एक्स में से तीन एक्स घटेगा तो बोलिएगा चार एक्स, हो गया ना। अब देखिए इसको कीजिएगा दस, इसको कीजिएगा तीस, होगा या नहीं होगा? एक गो दस टकिया इधर, तीन गो दस टकिया, एक गो दस टकिया कैंसिल, बचा के दो दस टकिया मतलब क्या होगा बीस गो, तो चार का चार चार पांच छह बीस, ये बीस है, चार का चार चार पांच बीस, एक्स बराबर कितना का पांच हुआ। अब ये पूछा कि किसके बराबर है, अरे भाई का क्वेश्चन में इधर, तब बोला है निपेंद्र की वर्तमान आयु, निपेंद्र की वर्तमान आयु, निपेंद्र का क्या है, ये तो x बराबर ही निकला ना, निपेंद्र का मान कितना है तो सात, सात एक्स, सात एक्स, सात गुना कितना पांच का, सात पांच पैतीस, अरे भाई वो तो पिछले था कि अगले था, बीच का था क्या, नहीं बीच में आने के कितना पांच प्लस मतलब कितना चालीस वर्ष, ये वो नहीं है वो है भाई चालीस वर्ष, निकल गया, निकला या नहीं निकला? आगे बढ़ जाए, इसका दूसरा टाइप करते हैं, दूसरा टाइप भी आसान है, देखिए सर सैतीस का टाइप दो, ठीक है, कहा क्या गया है पांच वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद, पहले बाद में लिखिए, बाद लिख दीजिए पांच वर्ष, ठीक है, क्या है निपेंद्र है, एस से निपेंद्र, एस से हो गया ना, कितना का बोल रहा है, बोल रहा है तीन गुना हो जाएगा, किससे, जब भी होगा तो बाप रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक लगाइए, जब भी होगा पिताजी बड़ा होगा या नहीं होगा, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा, तो बोलेगा कि पहले तो बाप बड़ा होगा, तो वाजिब है भाई, किससे, तो बेटा एक पिताजी तीन, हुआ हुआ नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ पांच वर्ष पूर्व, अरे भाई बाप पांचवे वर्ष ना पूर्व, तो पांच वर्ष पूर्व कितना हो जा रहा है सात गुना हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, बेटवा एक तो पिताजी कितना सात का कर दीजिए आ जाएगा, कैसे करना है बराबर है नहीं है, जब नहीं है तो क्या करना है, बोले है बराबर करनी, कैसे, तो ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, कितना अंतर हुआ दो का, गुना दो से, ये दोनों का अंतर कितना छह से, छह, बोले है कि गुना करने का अंतर निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे इसको इससे, हो गया ना, छ करेंगे छत्री का अठारह, छ पांच छ, फिर करेंगे सात दूनी चौदह, ये निकल कर आएगा दो, ये जो है पांच साल, पांच साल कितना, पांच साल, पांच साल कितना दस वर्ष, दस वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे ना भाई, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दस वर्ष, जब दस वर्ष आया मेरे भाई, तो देखिए इस दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, और ये दोनों का बीच का अंतर देखिए, दोनों का बीच का अंतर समान होगा, चार यहां फिर भी चार यहां पर भी, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो चार, और जब भी देखिए क्या सब है अनुपात में है, तो ये अनुपात हम क्या लिखते हैं रेशियो, तो चार आर, तो देखिए चार आर बराबर दस का, आर बराबर दस बटे चार, होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। अब किसका पूछा गया है, पूछा गया निपेंद्र की, निपेंद्र कितना का, तो सात, कितना है निपेंद्र का वर्तमान आयु, निपेंद्र का कितना है, देखिए निपेंद्र की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान का निपेंद्र की वर्तमान आयु कितना, चौदह, यहां लिखिए
कितना है 14 14 गुना कितना 10 10 बटा कितना तो 4 इसको कटाइए 2 से कटा दीजिएगा तो 2 से कटाइएगा ये तो 2 2 से कटाइएगा तो 7 इसको कटाइएगा ये हो जाएगा 5 इसको इधर कीजिएगा 7 5 35 आया और जो है ये पूर्व का था ये वर्तमान में आ रहा ये पूर्व का था ठीक है उसके बाद तो ये 5 साल आया तो 5 साल इसमें प्लस भी करना है तब ना हुआ 40 वर्ष होगा या नहीं होगा बिल्कुल हो जाएगा अब देखिए फिर भी आपको ऐसे आया तो ऐसे बना दीजिए फिर देखिए एक मेथड और बोलेगा इसी से पूरेगा इससे नहीं पूछ सकता है इससे भी पूरेगा कैसे देखिए ये तभी जो है मिस्टेक से हम ये बोलते हैं वर्तमान ये वर्तमान नहीं ये पूर्व है देखिए ये नीचे वाला क्या है पूर्व ऊपर वाला क्या है वर्तमान है मतलब बात का वर्तमान में भी बात का ठीक है अब देखिए ऊपर वाले के बनाते हैं 18 10 बटा 4 फिर 4 से कट इसको कटाएंगे 2 से तो 2 5 5 ना आएगा ये 5 फिर इसको कटाएंगे ये 9 9 5 45 ये 45 बाद कब ये 45 वर्ष तो 45 वर्ष कब था ये तो 5 वर्ष बाद था कब 5 साल बाद 5 साल बाद ही बाहर निकाले ना क्योंकि ऊपर में है ना 5 साल बाद तो ऊपर वाला कंडक्शन क्या होगा ऊपर वाला बाद का आएगा तो बाद वाला है हमको वर्तमान में पूछा गया है तो 5 माइनस में करेंगे तब ना होगा भाई 40 वर्ष पुराना बुजुर्ग सब बोलते थे कान इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो बतवा बराबर आप कोनो लेके बना सकते हैं बन जाएगा ना क्लियर इसको हटा दे चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष बाद की आयु की दोगुनी होगी ए तथा बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा क्वेश्चन आसान है या नहीं है क्वेश्चन आसान है या नहीं है तो देखिए कैसे करते हैं ए है और ये बी है हाँ या नहीं है कितना दिया गया अनुपात 2:3 का यही है ना सब में बोले हैं एक्स लगा देंगे एक्स लगा दीजिए इसके बाद क्या बोला गया है 16 वर्ष बाद 16 वर्ष क्या तो बाद बोला गया है मेरे भाई ऐसा है तो देखिए ए और बी एक्स ये भी एक्स कितना तो 16 ये कितना 4 यही बोला गया है ना 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष की बाद की आयु की दोगुनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है एक तब ना दो यही बोला गया एक से दोगुनी हो जाती है कर दिए अब इसको काट मार के लाइए आंसर ये 2x में से x घट गया तो x 8 में से 16 में से 8 जाएगा 8 एक्स बराबर कितना निकल के आएगा 8 निकल के आया उसके बाद पूछा गया किसका ए तथा बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा तो ये 8 है इसको करेंगे 2x है ना 2x है ना मतलब 2 गुना एक्स का वैल्यू कितना 8 8 गुणी 16 उसके बाद क्या बी कितना है 3x 3 गुना कितना का 8 का बराबर कितना 24 का अरे दोनों का अंतर कितना 24 घटाइएगा तो ये 8 निकल के आएगा या 24 में से 8 जोड़िएगा 24 में 8 जोड़िएगा तो भी 24 आएगा या घटाइए या बढ़ाइए कितना का अंतर है तो 8 वर्ष का है या नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा देखिए हटा दे इसको
इनसे भी खतरनाक क्वेश्चन लगा दे इस बार। देखा कहा गया है देखन में छोटा लगे घर करे गंभीर, कितना तो ये सुनेंगे और कितना भी तो ये भी लगा होगा छोटा बम बड़ा धमाका, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है बड़ा बम छोटा धमाका। समझ में आया का है? तो बड़ा बम छोटा धमाका बड़ा क्वेश्चन कुछ ही क्षणों में सॉल्व करेगा, सॉल्व हो जाएगा कैसे ये आप करिएगा। तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, इस समय पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्र से पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन है कितना घुमा फिरा के पूछ लिया, क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ लिया, ये तो पता नहीं चला होगा कितना को दिमाग से बाहर चल गया कि क्वेश्चन कैसे है कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन को, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नहीं देखिएगा वीडियो को, डिलीट कर दीजिएगा वीडियो को, एक लाइन में नहीं बना तो देखिए आगे। उसकी पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। अरे भैया पहले तो पिताजी पता रहे, सबका पता रहे तब ना पता चलेगा कौन बड़ा है कौन, यहाँ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। अरे भाई नहीं चल रहा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, करेंगे कैसे? देखिए पिता एम से क्या लिखेंगे, पिता फादर, माँ को एम से ही सूचित कर देते हैं मदर को। उसके बाद बोला गया है किसके बारे में पूछा गया है, एक तो दिया गया है उसका बेटा, दिया गया है या नहीं दिया गया है, बेटा, बेटा को बी लिख दीजिए, चलिए एस लिख लेते हैं या बी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को भाई प्यार से पढ़िए, समझ में बिल्कुल आएगा, कैसे आएगा देखिए, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। अब कौन अधिक है, माँ के उम्र से 7 वर्ष अधिक है, कौन अधिक है, तो पिताजी, उसके ऊपर भी लिखेंगे 7 वर्ष अधिक है, माँ से अधिक है, कौन है अधिक, तो पिताजी, पिता के ऊपर लिखेंगे 7 वर्ष, ठीक ना है। उसके बाद पूछा गया 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्र की आयु से 3 गुना है, पुत्र से कौन है 3 गुना है, यहाँ 3 गुना लिख लीजिए ऊपर में, गुना है, हाँ या नहीं है, हाँ या नहीं है, माँ पिता, माँ से बड़ा कौन है 7 वर्ष पिता है और जो बेटा से 3 गुना कौन है तो माँ है, क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 गुना है, इस समय पुत्र की उम्र 10 वर्ष, इस समय पिता का क्या है, हाँ इस समय पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। अब जो है पता चल गया था, पकड़ाया, कौन पकड़ाया, बेटवा पकड़ा गए लोग, भाई वाह बेटवा पकड़े लोग, कितना वर्ष के, तो 10 वर्ष के, और लिख दीजिए 10 वर्ष प्यार से लिख दिया ना। और अब देखिए जैसे जैसे कहता था वैसे काम करना है, क्या करना है, दो देखिए, बेटा से 3 गुना कौन था तो माँ, तो बेटवा तो 10 वर्ष का, माँ कितना 10 गुना 3 30 वर्ष हुआ और माँ से 7 वर्ष अधिक था कौन, पिताजी, तो माँ तो 30 इससे 7 वर्ष अधिक 37 वर्ष, ये वर्ष नहीं भी लिखते कोई तकलीफ की बात नहीं था, कोई तकलीफ होता क्या, नहीं होता। अरे जैसे कि आप समझते हैं डॉक्टर के लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाला समझता है, उसी तरह आपका लिखा हुआ सिर्फ आप ही समझिए, अगर दूसरे को समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है। नौकरी लेना है ना कि टीचर बनना है, नौकरी लेना, अपने लिखेंगे अपने समझेंगे, दूसरे को समझाने का कोई प्रयास नहीं है, दूसरे लिखेंगे दूसरे को पीलेगा क्या करेगा, क्या कर सकता है दूसरे को, तो क्या राइटिंग नहीं बैठता यार, मत बैठने दो रहेगा, अपना काम निकला दुनिया कहीं जाए। तो देखिए ये सब लिखने का प्रयोग, अब क्या बोला गया, क्या गया, पुत्र से
जब पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? जब बेटा का जन्म हुआ होगा, जब बेटा का जन्म हुआ होगा तो बेटा कितना? जीरो का। जीरो कब होगा? अरे बेटा जब आज पैदा होगा उसका एज जुटेगा। क्या एज उसका लिखिएगा? क्या लिख सकते हैं उसका एज? लिख सकते हैं कुछ? नहीं लिख सकते हैं। कैसे? अब मान चलिए उसका जो है जीरो होगा, जब उसका पैदा हुआ जीरो। कब जीरो होगा? जब दस उसका माइनस किया, जब वह दस वर्ष के अभी है, जब अभी वह दस वर्ष का है, जब उसका जन्म हुआ होगा, कितना वर्ष का हुआ होगा? तो भाई जीरो होगा। कब जीरो पड़ेगा? जब इसमें से दस माइनस कीजिएगा ना, जब दस माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा बेटा? जीरो वर्ष का। तो पिताजी में दस माइनस होगा। पिताजी का पूछा गया, सत्ताईस वर्ष का पिताजी थे। समझ में आया? आया या नहीं आया? आ गया होगा। ऐसा चलो कि निशान बन जाए, ऐसा चलो कि निशान बन जाए, ऐसा पढ़ो कि पहचान बन जाए। समझे? समझ आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और जो है इसमें थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। कैसे? थोड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, इससे कोई डरने का बात नहीं है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, बोला गया है तीन वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की पांच गुनी थी। यदि आठ वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के तीन गुनी है, आठ वर्ष अधिक हो तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है? समझ में आया? क्वेश्चन कितना प्यार से पढ़े, आपको भी ये बात समझ में आ गया होगा। कहा गया तीन वर्ष पूर्व। सबसे पहले आपको बता दिए हैं तीस वर्ष पूर्व, तीन वर्ष पूर्व हो गया ना। उसके बाद की किसका है? विजय है, उसका बेटा है। बी से विजय लिख लिए, बी से बेटा लिख लिए, या तो सन लिख लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोला गया है उसके पुत्र की आयु की पांच गुनी थी। जब कब होगा? उसको बेटा को जब एक मानेंगे तब तो उसका पिताजी पांच होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसको मानते हैं x, इसको मान लेते हैं पांच x, पांच गुनी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। आठ वर्ष बाद कितना बोला गया? आठ वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु के तीन गुने से आठ वर्ष अधिक है। कब है? तो तीन वर्ष बढ़ेगा, तीन गुनी है तो उन तीन गुनी है, तीन गुनी से आठ वर्ष अधिक है। तीन गुनी से आठ वर्ष, इसको करिए इसे, तीन गुनी से आठ वर्ष अधिक है। हाँ या नहीं है? बिल्कुल है। अब तो देखना पड़ेगा, अब तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा। यह तीन वर्ष पूर्व का था, तीन वर्ष पूर्व का था तो तीन वर्ष तो अभी आएगा ना भाई, अभी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो तीन वर्ष प्लस कर दीजिए, हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए अंदाजा लगाइए, इसको लिखेंगे पांच एक्स प्लस ग्यारह, ये बराबर। देखिए फिर से एक ट्रिक, ये कितना का एक्स, ऐसे देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स और तीन से गुना कर दीजिए 3x। उसके बाद आठ तीन ग्यारह गुना तीन तो तैतीस प्लस कितना आठ। अब जो देखिए 3x 5x में से 3x घटेगा 2x, हुआ है नहीं? अब जो है एक जो है इसको 33 प्लस आठ, आठ तीन ग्यारह एक तीन ग्यारह इकतालीस, इकतालीस में से दस इकतालीस में से ग्यारह घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? तो 30 वर्ष। कितना का? 2x बराबर 30 का, x बराबर 15 का। आया? आया कि नहीं? अब पूछा गया है विजय की वर्तमान आयु
कितनी है, विजय की वर्तमान आयु कितनी है, विजय का देखिए ये कितना निकल गया 15, एक्स बराबर कितना 15, विजय कितना है 5x, विजय कितना 5x, एक्स का जगह कितना 15, प्लस में कितना 3, अब बोलेगा 3 तो पूर्व में था और वर्तमान में आया तो 3 प्लस एड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा 15 5 75 3 78 78 बस आ गया, आया या नहीं आया, आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।